सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान सहित तीन अन्य लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का पति सरसीवा धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, उसे किसी कारणवश पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसकी पत्नी मदद के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान के पास पहुंची। पीड़िता ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान सहित तीन लोगों ने सरसीवा धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया और उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता न्याय के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रही है। अब वह तंग आकर महिलाओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। वहां पर उसने न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद भी दुष्कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मौसम गलत हो है, जेकर मोल चार पांच को घुमाते, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं होते। वहां जाथन तो यहाँ भेजा, यहाँ जाथन तो वहां भेजा थे। और इंसाफ चाहिए, मोर संग बहुत गलत है, कुछ भी सुनने में कुछ नहीं मिलते। आपके साथ दुष्कर्म के बाद सामने आया, कौन करिस, कहाँ करिस, कैसे करिस बताओ। माखनलाल प्रधान, प्रतीक प्रधान, मोतीलाल केवट प्रधान, सुभाष जलान घर में धमकी देते कि तुल मरवा देबो। मोर घर वाले और कहा कि तुल मरवा देबो। सबके है सुभाष है सुमेश और मोर बुआ भी जो रात भाई पुलिस वाली विभाग में वो मोर खिलाफ हो गए है। वो बोले थे कि मन के ओकर पतिल तक फंसा तू हन फंसा वैसे बोल के मतलब धमकी उमकी दवा थे। गुंडा उंडा भेजा घर में मन के मारपीट करवाए बारी बारी से। एक ही दिन एक ही जगह एसपी ऑफिस और थाना कुछ हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ अभी तक मेरे को, फायदा कभी कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे को हिसाब से फिर यहाँ से नहीं जाऊँगी, यहाँ से मेरा डेट बोर्ड ही जाएगा। क्या लगा था मतलब न्याय मिला था? कुछ नहीं मिला था। मतलब सर मैं तो डाटा एंट्री के पद पे समिति में कार्यरत था, फिर मुझे फर्जी तरीका से निकाला गया। उसके बाद मेरे पत्नी को आपका पति का नौकरी लगा देंगे करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और ऐसा दुष्कर्म किया है जिसको मेडिकल चेकअप होने के बाद पता चलेगा कि एक मान के चलिए उसका बच्चेदानी भी निकल गया। उसके एवज पे पूरा बच्चेदानी खराब हो गया। 22 साल 23 साल की लड़की का बच्चेदानी कैसे निकल सकता है? और हम इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं कि हमें तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं मिल रहा है, और हम न्याय मांगने कलेक्टर के पास आ रहे हैं तो हमें प्रलोभन दिया गया कि आप बड़े नेता हो, बड़े नेता लोगों से आप लड़ नहीं सकते, सिस्टम है, सिस्टम का सुनना पड़ेगा, आपको नौकरी लगा देंगे। कलेक्टर सर के आश्वासन दिया गया मुझे फिर आवेदन उन्हीं ने लगाने के लिए बोला। उप पंजीयक के पास अपील किया तो वहाँ से खारिज कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता आपका सुनवाई। फिर कलेक्टर सर के पास आया, मैं फिर आवेदन दिया, हमें न्याय चाहिए। तो कलेक्टर सर फिर बोले आवेदन दे दो। आवेदन देने के बाद अंततः मैंने इच्छा मृत्यु की भी मांग किया गया मेरे द्वारा, जिसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। न इन दोषी, ये चारों जो दोषी, इनके ऊपर ना कार्रवाई कर रहे हैं, बस कलेक्टर सर एक को बचाने के लिए पूरे मामले को दबा कर रखे हैं, और एसपी सर भी इसको दबा कर रख रहे हैं। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष भाजपा के। और सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य घटना है मैं उसको बता रहा हूं। हमारा इज्जत ऐसे फालतू नहीं आया है सर, हम एक छोटे से गरीब वर्ग। संपर्क में आई आपकी आपकी जो पत्नी, वो कैसे संपर्क में आ गई इनकी? इनके संपर्क में इनके भाई ने उनको इनको बताया कि आपके पति को फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है, दस्तखत किए हैं जिसमें उसको मिटाकर दूसरे कार्रवाई किया जा रहा है। तो फिर ये उनसे संपर्क कर में खुद आई, क्यों कर रहे हो मेरे पति के साथ? तो इनको बोला गया कि आप हमारे साथ कुछ कीजिए, तो इसने मना किया, तो इसके साथ जबरन उन्होंने नौकरी लगा देंगे करके इसके साथ दुष्कर्म किया। मोतीलाल प्रधान, माखन सिंह कंवर, प्रतीक प्रधान और सुभाष जलान जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, और इन्हीं के कहने पे ना तो हमारा FIR लिखा जा रहा है और ना ही हमें कहीं से न्याय मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हमें यही कलेक्टर के सामने हम आत्मदाह करेंगे।